आम लोगों की समस्याओं को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री किस कदर संजीदा हैं, इसकी बानगी देखने को मिली धनबाद में, जहां चिरगोड़ा प्रोफेसर कॉलोनी में सड़कों पर नाले का पानी यूं ही बहता रहता था, लेकिन मुख्यमंत्री के जनसंवाद में गुहार लगाने के बाद अब इलाके का होलिया पूरी तरह से बदल गया है। आप इस रिपोर्ट को देखिए। यह इलाका है धनबाद का चिरगोड़ा प्रोफेसर कॉलोनी। कुछ दिन पहले गंदे पानी की वजह से यहाँ की सड़कों पर चलना मुहाल था। नाले का गंदा पानी सड़कों पर बहता था। हालात ये हो गए थे कि गंदा पानी घरों में घुस जाता था। परेशान स्थानीय लोगों ने कई बार पार्षद और निगम कार्यालय के चक्कर काटे, कई लोगों के सामने समस्या की गुहार लगाई, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। जब इलाके के एक युवक ने समस्या की शिकायत 181 पर मुख्यमंत्री जनसंवाद में की, तो 15 दिनों में सड़क किनारे बने नाले का निर्माण शुरू हो गया। इससे अब लोगों को परेशानी से निजात मिलेगी। मुख्यमंत्री जनसंवाद में 181 में डायल किए और वहां से मतलब तुरंत कार्रवाई करते हुए 15 से 20 दिनों के अंदर देखे निगम हरकत में आया और नाली का निर्माण कराया गया और हम लोगों की सारी समस्याओं का समाधान हो गया। उसके बाद सड़क का भी निर्माण कराया गया, पोल में लाइट लगाया गया, मोहल्ले के लोग अभी खुश। नली का पानी घर में चल जाता था, पार्षद को कंप्लेंट किया, नगर निगम को कंप्लेंट किए, तब जाकर फिर मुख्यमंत्री की संपर्क। धनबाद के नगर आयुक्त के मुताबिक लोगों की सभी शिकायतें दूर की जाएंगी। जिन्हें कोई परेशानी हो वो तुरंत उनसे संपर्क कर सकते हैं। नगर आयुक्त ने ये भी कहा कि जल्द ही चिरगोड़ा प्रोफेसर कॉलोनी में नाले का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा और लोगों की समस्याएं सुनने के लिए जनता दरबार का आयोजन किया जाएगा। जनसंवाद अथवा जन शिकायतों को हम लोग बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं। नगर निगम अब हर तरह के जन शिकायतों को बहुत ही गंभीरता से ले रहा है और इसी आलोक में मैं आपको ये भी अवगत करा दूं कि किसी भी तरह के सरकारी कार्य में बाधा डालने, सरकारी परियोजना वाले जो कार्य हैं उनमें बाधा पहुंचाने वाले पे हम धारा 133 के तहत कार्रवाई भी करेंगे। तो ये निश्चित रूप से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि एक ऑब्स्टकल था प्रोफेसर कॉलोनी में चिरागोड़ा में, उसको हम लोगों ने दूर कर लिया है और अब आम सुविधा के लिए लोगों के लिए उपलब्ध है। हर एक 15 दिनों में एक जनता दरबार पब्लिक के ग्रीवियांसेज को, शिकायतों को सुनकर उसका दूर करने के लिए ही है। हम चाहेंगे कि अधिकांश शिकायतों का निष्पादन यहीं से हो जाए। झारखंड के ग्रामीण इलाकों के साथ साथ मुख्यमंत्री की नजर शहरों के विकास पर भी लगी है। यही वजह है कि जैसे ही मुख्यमंत्री जनसंवाद में चिरगोड़ा प्रोफेसर कॉलोनी में बहने वाले गंदे पानी की शिकायत की गई, तुरंत समाधान हो गया। लोगों ने मुख्यमंत्री को दिल से शुक्रिया कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।